a is positive set and b is negative set such that x is union of these two sets and what is relation between those two sets those two sets will be disjoint we need to show the existence of two such sets which are positive and negative and x is ki union aayega and relation between these two sets is empty disjoint set these two sets are disjoint sets okay देखो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे साइन मेजर को कि इन दिस प्रूफ व्हाट विल बी आर साइन मेजर सीन डेफिनेशन आई टोल्ड यू साइन मेजर कैन अज्यूम एट मोस्ट वन ऑफ द वैल्यूज आइदर प्लस इनफिनिटी और माइनस इनफिनिटी बट इट कैन नॉट एज्यूम बोथ वैल्यूज साइन मेजर एंड मेजर में द डिफरेंस इज ओनली दैट इन साइन मेजर वी इंक्लूड द एक्सटेंडेड सिस्टम

Signed measure on measurable space. X beta new is a signed measure. By definition, new can assume at most one of the value. वैल्यू प्लस इंफिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कोई एक ही वो क्या कर सकता है, कर सकता है. So, का मतलब क्या होता है अगर आप जो चीज वहां पे अज्यूम करके चलोगे ना उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट वैसा ही रहेगा तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी देखो इट कैन टेक वन ऑफ द वैल्यू प्लस इनफिनिटी और माइनस इनफिनिटी, यू कैन टेक एक टाइम पे यू कैन टेक प्लस इनफिनिटी एंड दूसरे टाइम पे आप माइनस इनफिनिटी भी लेके करते हो तो प्रूफ पे या इस रिजल्ट पे देर विल बी नो इफेक्ट ओके सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी लेट प्लस इनफिनिटी बी दैल्यू इग्नोर्ड

फाइव इज नल सेट मीन्स दैट विल बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव सो दिस इम्प्लायज कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव सेट्स सेट ऑफ कलेक्शन जो पॉजिटिव सेट्स के कलेक्शन का सेट है दैट विल बी नॉन एम टी वो सेट क्या होगा हमेशा नॉन एम होगा वाई बिकॉज फाइव उसमें ऑलवेज बिलोंग करेगा बिकॉज फाइव इज अल सेट लेट ए आई बी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव सेट्स ए आई को मैंने सीक्वेंस लिया पॉजिटिव सेट्स का सच दैट लिमिट

ईच आई ए माइनस ए आई इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ए आई का कॉम्प्लीमेंट ए में से आप एक आई को सप्रैक्ट कर रहे हो क्यों क्योंकि हर एक आई के लिए ए वन के लिए करोगे ए टू के लिए करोगे ए थ्री के लिए इंटरसेक्शन okay, तो, तो दोनों में कंटेंट होती है ए इंटरसेक्शन बी इज कंटेन इन बोथ ए एंड बी है ना सो ए माइनस ए आई इज कंटेन इन दिस विस मीन ए इज पॉजिटिव सेट

न्यू ऑफ ए माइनस ए आई इज पॉजिटिव सेट ना हो आई यूनियन ऑफ ए आई ठीक है ए को मैं ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ ना कि उसमें से मैंने कुछ हटा दिया एंड देन बाद में फिर उसी चीज को एड कर दिया आई कैन डिफाइन माई ए लाइक दिस ना अप्लाई साइन मेजर न्यूक्वल्स टू न्यू ऑफ ए माइनस ए आई ठीक है

टू लैमडा ये चीज आएगी देखो बाय डेफिनेशन प्रोसीड कर रहे हैं अगर ये चीज हर एक आई के लिए होल्ड कर रही है ना तो दैट मीन सुप्रीम इससे छोटा बन जाएगा क्योंकि लैमडा तो इन्हीं ए आईज का साइंड मेजर डिफाइन किया है ना आपने नाउ फ्रॉम वन एंड टू वट वी हैव साइंड मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू लैमडा हमने एक सेट तो एग्जिस्ट करा दिया सेट ए जो किसके इक्वल आया सुप्रीमम उन सारे उसके जिसका साइन मेजर इसके इक्वल आया सुप्रीमम ठीक है और यहाँ पे सुप्रीमम होने की वजह से जो लैमडा है दैट विल लाइ बिटवीन जीरो एंड प्लस इनफिनिटी और वो कभी भी ना ये लैमडा इनफिनिटी नहीं बन सकता लेस देन इन्फिनिटी रहेगा दैट मीन समथिंग फाइनाइट ओके ना हो अब हमको क्या शो करना है ए सेट मैंने पिक किया अब मुझे एक बी सेट एग्जिस्ट कराना है सच दैट एक्स इक्वल्स टू ए यूनियन बी हो अब अगर एक्स इक्वल्स टू ए यूनियन बी लेकर आना है दैट मींस ए का कॉम्प्लीमेंट मुझे पूरा उठाना पड़ेगा है ना अब सी लेट अस टेक बी एज बी इज इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट ठीक है एक का कॉम्प्लीमेंट लेंगे सो दैट एक्स एक्स क्या हो इक्वल्स टू ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट दैट इज एक्स इक्वल्स टू यूनियन बी एक ऐसा सेट एग्जिस्ट करना चाहिए था सच दैट ये बी जो सेट है वो कैसा बन जाए नेगेटिव सेट बन जाए बी का एक मेजरेबल सबसेट उठाऊंगी एंड उस सबसेट को मैं क्या शो करूंगी क्यों कभी भी पॉजिटिव नहीं बन सकता आई एम गोइंग टू शो दैट एंड वहां से मैं क्या करूंगी कि बी के पास कोई भी पॉजिटिव सेट नहीं होगा अब मैं शो कैसे करूंगी कि बी इज माई नेगेटिव सेट सी मैं एक पॉजिटिव सबसेट उठाऊंगी ई का बी का बी का एक पॉजिटिव पॉजिटिव उठाऊंगी उठाया था उसका था उसका ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए बट जब मैं उसको सॉल्व करते वो क्या होता है सेट मतलब जिसका साइन मेजर जीरो होगा तो बी के पास कोई भी पॉजिटिव सेट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो बी कैसा सेट बन जाएगा ठीक है लेट ई बी एनी पॉजिटिव सबसेट ऑफ बी ठीक है दिस इंप्लाई ई किस में कंटेन करेगा ए के कॉम्प्लीमेंट में ई e किस में कंटेन करेगा ए के कॉम्प्लीमेंट में नाउ थर्स ई एंड ए आर डेइ सेट्स बिकॉज ए तो उसमें बिलोंग कर रहा है तो e ए के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो ई यूनियन ए कैसा होगा पॉजिटिव हो. e so e so e so सेट होगा एंड ई यूनियन इज पॉजिटिव सेट बिकॉज काउंटेबल सेट है तो साइन मेजर ऑफ यूनियन ए इज पॉजिटिव सेट सो लैमडा इसका साइन मेजर किससे छोटा होगा लैमडा से छोटा होगा अब देखो लैम्ब्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू ऑफ ई यूनियन ए ये चीज है सिंस ई एंड ए बोथ आर डिसजॉइंड सेट्स शो मैं साइन मेजर को सेपरेट कर सकती हूँ लैम्ब्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन मेजर ऑफ ई प्लस साइन मेजर ऑफ ए एस वी हैव शोन दैट साइन मेजर ऑफ ए इज लैम्ब्डा इट्सेल्फ सो ल�

क्या होता उसका होता उसका साइन ग्रेटर इक्वल टू लेकिन जैसे जैसे हम प्रोसीड करते गए हमें क्या मिला साइन मेजर का जीरो मिला दैट मीन बी के अंडर में ऐसा कोई सेट नहीं होगा सबसेट नहीं होगा जो पॉजिटिव होगा इसका मतलब क्या है बी के पास जितने भी होंगे देखो सेट या तो पॉजिटिव होगा या नल सेट होगा या नेगेटिव सेट होगा इन तीनों में से कुछ ना कुछ तो होगा नल सेट मतलब इक्वल टू जीरो प्रॉब्लम है नहीं बचे पॉजिटिव और नेगेटिव सेट अगर इसके सबसेट्स में कोई भी पॉजिटिव नहीं है दैट वो नेगेटिव होंगे ना अगर देखो नल सेट भी वो नहीं बन सकते आप कह रहे हो कि तीन चीजें हमारे पास पहली नहीं हुई दूसरी दूसरी नहीं हुई तीसरी तीसरी नहीं हुई पहली बट नॉट पॉसिबल एक सेट अगर एक ही बार में पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव बन जा रहा है दैट दैट इज नल सेट अगर मैं आपसे एक हूँ एक लाइक दस या तो पांच साल के बच्चे होंगे या दस साल के बच्चे होंगे या पंद्रह साल के बच्चे होंगे एक हुँ। अब एक बात बताओ एक मैं आपको एरिया दे और मैं कहूं इस एरिया के अंदर ना तो पांच साल के बच्चे हैं ना पंद्रह साल के बच्चे हैं तो क्या ऑप्शन बचा सारे बच्चे दस साल के होंगे इन सेम वे अगर बी के पास में कोई भी पॉजिटिव सेट है ही नहीं दैट मीन उसके पास कोई नल सेट भी नहीं है ना तो उसके पास पॉजिटिव सबसेट है ना उसके पास नल सेट है पॉजिटिव सबसेट का ना होना मतलब का भी ना होना क्योंकि कोई सेट नल तभी बनता है जब वो पॉजिटिव भी हो अगर बी के पास में पॉजिटिव सेट है ही नहीं तो वो नल तो बन ही, ही नहीं सकता दोनों केस कैंसिल हो गए अब कोई भी सबसेट या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव हो गया या नल होगा ठीक है पॉजिटिव वो बननी है ही नहीं नल वो पॉजिटिव ना होने की वजह से नल भी नहीं बन पाया तो एट द लास्ट क्या बचा नेगेटिव सेट्स बचे ना सो so बी कैसा है आपका नेगेटिव सेट है सो so हमने एग्जिस्टेंस शो करी ए एंड बी की और यहाँ पे जो बी सेट है व्हाट इज दैट बी दैट बी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ऑलराइट